नमस्कार दोस्तों, इस लेसन में हम सीखने की कोशिश करेंगे राम आएंगे जो भजन है, बहुत पॉपुलर, उसको हम बांसुरी पर निकालने की कोशिश करेंगे। ये फ्लूट है ई मीडियम स्केल की। आपके पास जिस भी स्केल की फ्लूट हो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नोटेशंस हैं वो सेम रहेंगे और आप नोटेशंस ले सकते हैं फ्री में मेरे ऐप से, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ जो भजन है वो बांसुरी पर किस तरीके से आपको सुनाई देगा, और फिर हम इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा बजाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ धुन है इस गाने की। तो जब हम प्ले करेंगे तो उसके पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आना ज़रूरी है, जैसे कि सरगम आना ज़रूरी है। तो एक बार सरगम आप बजा के देखिए अपनी फ्लूट पर, आप सही प्ले कर पा रहे हैं या नहीं। सारे गमा म के लिए आप हाफ नोट आपको प्ले करना है, और जब आप म प्ले करते हैं तब आप जो अपने राइट हैंड की दो फिंगर्स हैं उसको आप रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि इसका साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि जब आप म से प बजाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को स्टार्टिंग में म से प बजाने में दिक्कत आती है। इसको मैंने अपने कोर्स में डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप मेरा कोर्स चाहे तो देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जो भजन उठाना है वह सा नोट से आप उठाएंगे, सा 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 रे रे ग सा सा सा। अब यहां पर एक ही नोट बार बार रिपीट हो रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे, अब जो आप ब्लो कर रहे हैं इस तरीके से आपको स्ट्रोक देना है, दो बार फूंक मारनी है। जब आप हाथ लगाएंगे अपनी फूंक के सामने तो आपके हाथ पर जो इम्पैक्ट है, जो आपकी ब्लोइंग का इम्पैक्ट है, वो दो तीन जितनी बार आप बजाना चाह रहे हैं उतनी बार होना चाहिए, तभी जो नोट है वो उतने टाइम्स निकल कर आएगी। जैसे कि ये मल्टीपल टाइम्स हो गया, जितना भी आप चाहें उसको बजाएं, लेकिन ये कमांड जो है वो होनी चाहिए। अब जहाँ इस भजन में पर्टिकुलरली कितनी बार सा आपको बजाना है, ये आपको चीज़ रटना नहीं है, ये जब आप गाना सुनते हैं भजन सुनते हैं उसको आप पहले इसको समझिए। राम आएंगे तो यहाँ पर जो पिच है वो आगे जा रही है, कभी पिच पीछे जा रही है, तो वो आपको धीरे 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 सुनकर जितना आप उसको समझने की कोशिश करेंगे वो धीरे धीरे चीज़ आएगी। राम आएंगे तो धीरे धीरे जो पिच है वो बढ़ती जा रही है। सा 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 रे रे ग। अब यहाँ पर हल्का सा ऑर्नामेंटेशन का यूज हुआ है। अब जैसे आपकी मर्जी, आप उसको चाहो तो प्लेन तरीके से बजा सकते हो, फिर अगर आपने कुछ ऑर्नामेंटेशन जैसे कण स्वर ये सब मींड आपने अगर सीखा हुआ है तो इसका प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको प्रयोग नहीं लेना है। पहले आपको सिंपल तरीके से बजाना है, जब आपका कमांड एकदम अच्छे से हो जाए उसके बाद आपको ऑर्नामेंटेशंस अगर आपने कर रखे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको एकदम धीरे से देखिए, सा 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 रे रे गा गा रे। अब जब ग पर मैंने हल्का सा झटका लिया गा रे, तो उसमें म को टच करते हुए ग यहां पर है, म यहां पर है,
गरे म को हल्का सा टच करके वापस ग से होते हुए रे पर जाना है, तभी राम आएंगे। जितना आप उसमें फीलिंग्स डालने की कोशिश करोगे, उतना ही जो कंपोजिशन है, जो धुन है, वो मेलोडियस होती जाएगी, और वही भाव जो फीलिंग्स होती है वो निकल के आता है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग हो, चाहे वो हिंदी कोई गाना हो बॉलीवुड का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको अपनी क्रिएटिविटी कहाँ पर उसमें ला सकते हैं और उसको कितना इंजॉय कर सकते हैं आप जब भी प्ले करते हैं। फिर से देखिए, सिर्फ तीन नोट्स में आपको खेलना है, सा रे ग, सा 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 रे रे ग ग रे सा सा रे रे ग ग रे सा सा। इस तरीके से कुछ नोटेशंस है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमको डायरेक्ट नोटेशंस दे दो, ये हमको लेसन वेसन नहीं देखना है, हमारे 10 मिनट हमको बर्बाद नहीं करने। तो ये उनके 10 मिनट बर्बाद नहीं हो रहे, उनकी एक्चुअली लर्निंग बर्बाद हो रही है। आप जितना चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेंगे, अगर मैं आपकी स्पून फीडिंग कर दूं कि आपको डायरेक्ट नोटेशंस दे दूं, तो आप म्यूजिक नहीं सीख पाएंगे। आप चाहो तो ये गाना बजा लोगे अच्छे से, लेकिन जो फीलिंग है वो आप नहीं ला सकते नोटेशंस देख के, ये आपको सुनकर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आएगा। आइए अब इसका आगे का देखते हैं। अब देखिए, राम आएंगे तो अंगना बुलाऊंगी, यहाँ पर आप लिरिक्स कुछ भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो धुन है वो मैटर करती है। अब यहाँ पर आपको प नोट से करना है, पा 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 धा पा म, यहाँ पर म शुद्ध लग गया है, ठीक है, पा 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 धा पा म गरे मा गरे सा सा। पा 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 धा पा मा गरे मा गरे सा सा। जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, सेम रोटेशंस आपको रिपीट करने हैं ना। इतना हुआ, इसके बाद फिर से जो हम स्टार्टिंग में प्ले कर रहे थे, यहां पर सिर्फ लिरिक्स चेंज हो जाएंगे, उसके बोल चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो आपको बजाना है वो सेम तरीके से बजाना है। सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो ये भजन बहुत ही ठहराव वाला है, आपको सिर्फ नोटेशंस देख के प्ले नहीं करना है, आपको ये समझना है कि कहाँ पर आपको ठहराव लाना है, कहाँ पर किस नोट को आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर कर्ण स्वर का प्रयोग करना है, कहाँ पर मींड का प्रयोग करना है, इस तरीके से आपको बजाना है। और ये लर्निंग जो है एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देख के, दो वीडियो देख के, 10 वीडियो देख के आपको आ जाएगा, नहीं, आपको आएगा वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। आपने आज मेरा लेसन देख लिया, कल किसी और का देखोगे, तो आपको चीज़ें उनसे लेना है, उनसे सीखना है, और आप अपना प्रैक्टिकल जो आपका अप्रोच है वो जारी रखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू।